अब भाई इसको तो नॉक दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक फटके बैठ गई। अब मेरे पे यहाँ पे सेल्फ रिवाइवल है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ रिवाइवल यूज़ करता हूँ, लेकिन भाई इसका टीममेट कर रहा है मेरे ऊपर अंधारश, और ये आ गया ऊपर। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाजूड़ में। और भाई इस वीडियो में आखिर में जाके तुम्हारा भाई दुश्मन के मुंह से इतनी खतरनाक तरीके से कोमांडर निकाल लेगा, अरे बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेकिन पहले ये देखो, अब हाँ मेरे को पहले लगा था कि मैंने बंदूक उठा ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे गोली का बटन दबाया, लेकिन भाई मेरा कैरेक्टर तो यहाँ पे बुक्के भरने लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, पकड़ लेता हूँ मैं इस पोरे को और भरता हूँ इसको खोपड़े के अंदर। अब यहाँ पे भाई अंदर पे एक पोरा घूम रहा होता है, चट्टी फाड़ डैमेज दिया है मेरे भाई, तो मैं जाता हूँ इसके ऊपर रश करने के लिए। और भाई एक टिकोरा देके कर दिया इस पोरे को नॉक और भरता हूँ खोपड़े के अंदर। अब भाई यहाँ पे मेरा एक टीममेट हो रखा है ऊपर पे नॉक, तो ये ऊपर वाले छिद्र में से कूदता है नीचे। अब मेरा टीममेट मेरे को दिखता है, तो मैं जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, लेकिन भाई उतने में और माँ कसम भाई ये पूरे जो है अंधा रश करते हैं भाई, गोचा अपना बच जाता है। अब ये मेरे को तो मार नहीं पाया, लेकिन भाई मेरा जो टीममेट नॉक पड़ा था इसने उसको खोखड़े के अंदर पैक कर दिया। अब अपने टीममेट के पास रिकॉल होता है, तो अपना टीममेट तो वापस आ जाएगा, लेकिन भाई उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे ऊपर पे एक पोरे आए पैराशूट से। ये भरता हूँ भाई मैं इस पोरे को खोखड़े के अंदर, लेकिन भाई ये पोरा बैठ रखा है ऊपर अपनी पूरी गैंग लेके। इस पोरे के दो तीन टीममेट अभी भी ऊपर जिंदा है, तो मैं जाता हूँ भाई फटाक से नीचे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे ऊपर रश कर दिया तो उधर ही पचक जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे नीचे आके थोड़ी सी हीलिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, लेकिन उतने में भाई मेरे को आवाज आती है पायरी से। अरे गई वाने पहले पूरा ऊपर तो आले, चड्डी में से निकला नहीं, गोली मारना शुरू। अब जो तेजी से ये पोरे ऊपर आया था उसी तेजी में कर दिया इस पोरे को नॉक, और भाई इधर पायरी के नीचे फिट हो गया। तो जाता हूँ फटाक से इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए, और फिर से जाता हूँ ऊपर। अब भाई यहाँ पे अंदर कंट्रोल सेंटर में एक पोरा डबर रहा होता है, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह फेंकने की तैयारी कर रहा होता हूँ, लेकिन उतने में पोरा यहाँ से भागता है। अरे भागा का पतरे, ये शेर ने तेरे को अपने नजर में कैद कर लिया है। अब ये भाग रहा होता है बाहर पे, लेकिन भाई मैं पकड़ लेता हूँ इसको, और अब जाना पड़ेगा इसको खोपड़े के अंदर पैक करने के लिए। अब ये गिर जाता है भाई यहाँ पे नीचे, तो मैं जाता हूँ इसको पूरा पैक करने के लिए। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ भैया ऊपर टोपे पे, और यहाँ पे नीचे पे एक पोरे ने ताजा ताजा मेरे टीममेट को पचकाया है, और ये पोरा यहाँ पे नीचे घूम रहा है। नहीं नहीं ये बॉट है, इस बॉट को मैं पकड़ लेता हूँ, भरता हूँ खोखड़े के अंदर। लेकिन भाई इस बिट्टू के पीछे पीछे एक और बिट्टू आता है, लेकिन भाई इस बिट्टू को कोई और मार गया, और वो पोरा वही है जिसने मेरे टीममेट को खोखड़े के अंदर पैक किया था। अब इस पोरे को धरने के लिए मैं जा रहा होता हूँ धीरे धीरे नीचे, लेकिन उतने भाई मेरे को आते हैं फुटस्टेप। और पता नहीं भाई ये पोरा कहाँ से आ रहा होता है मेरे को, क्या मैं तो इसको धर लेता हूँ और अपने गीचे में किल डाल लेता हूँ। अब भाई इस पोरे को तो खोखड़े के अंदर पैक कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक पोरे के फुटस्टेप आ रही, मतलब यहाँ पे एक और पोरा बैठ रखा है, और भाई ये वही पोरा है जिसने मेरे टीममेट को खोखड़े के अंदर पैक किया था। तो मैं एक चालू करता हूँ अपनी शोध मुहिम इस पोरे को शोधने के लिए, और बहुत ज्यादा शोधने के बाद ये पोरा आता है भाई सामने। Watch out! वाह मेरे पोतरे, क्या हीरो जैसी एंट्री मारी है भाई इसने। लेकिन जा बेटा अभी लॉबी में जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आ, क्योंकि तेरा एम एक नंबर का टट्टी है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे एक बिट्टू आता है, उसको मेरे टीममेट लोग कोकड़े में भर देते हैं, और इसके साथ भाई ये एरिया हो गया है पूरा खाली। अब भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे सेंटर में, डब्बे लुटता हूँ, और मैं यहाँ पे जाने की तैयारी में होता हूँ, लेकिन भाई उतने मेरे को आवाज़ आती है बग्गी की। अब ये पोरा चला गया भाई स्टील आर्क में, तो मैं करता हूँ इस पोरे का पीछा, और मेरे टीममेट भाई यहाँ पे उड़ गए रोबोट लेके। अब मैं उतर जाता हूँ भाई यहाँ पे रिच के पीछे, क्योंकि इस पोरे ने यहीं पे बग्गी खड़ी की है। और इसकी मैं आका मुरमुरा भाई,
भाई ये पोरा तो यार सामने ही बैठ रखा है, पता नहीं मैं इतना आंधड़ा कैसे था भाई। मैं जब गेम खेल रहा था तब मेरे को ये पोरा बिल्कुल भी नहीं दिखा था, क्योंकि भाई इस पोरे ने काले कपड़े पहन रखे है, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब जाके मेरे को दिख रहा है कि ये पोरा यहाँ पे सामने ही खड़ा था। अब भाई मेरे तीन तीन टीममेट यहाँ पे जिंदा है, दो पोरे रोबोट में है और एक पोरा पीछे, और ये पोरा एक अकेला है। अभी आता है मेरे को ख़त्म करने के लिए, लेकिन भाई मैं आ जाता हूँ इस साइड पे जहाँ पे मेरे टीममेट है, ताकि मेरे टीममेट मेरे को कवर दे सके। और भाई ये पोरा फुल ट्राई कर रहा है मेरे को खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए, फिर से बच गया मेरे भाई, लेकिन मेरे टीममेटों से अभी भी ये पोरा मर नहीं रहा है, और मैं यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जूझ रहा हूँ भाई। अब ये पोरा फिर से इस साइड आता है तो मैं फिर से उस साइड आता हूँ। अब भाई मैं यहाँ पे जीव तोड़ तोड़ के अपने पोरों को बोल रहा होता हूँ कि भाई पोरा यहाँ पे इसको मार दो, मेरे को बचा लो। तो बहुत ज्यादा ओरड़ने के बाद मेरा एक टीममेट आता है नीचे, और क्या भाई मैं बचूंगा, अरे मेरी लॉलीपॉप चूस लो बचूंगा, ये देखो तुम। माँ कसम भाई ऐसे फोतरे रैंडम टीममेट पता नहीं भगवान मेरे ही नशीब में काय को डाल देता है, सालों से एक पोरा मरा नहीं। अब भाई मेरे पे रिकॉल होता है, मैं फिर से रिकॉल होता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास लूट नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप गिरे होते हैं, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे लूटने के लिए। वहाँ पे मेरे को एक पोरा दिखता है, मैं उस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चार पांच पोरे और आ जाते हैं, उसमें से एक पोरे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसकी किल भी कोई और चुरा लेता है, और उसके बाद भी एक पोरे को मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं। तुम आगे का देख के क्या करोगे यार, कुछ मजा आएगा नहीं, तुमको मजे वाला पार्ट दिखा दो। क्या मतलब कि भाई तू आगे जाके मर गया होगा, अरे तुम शान बैठो यार, 11 किल किए ना, तुम चुपचाप बैठो। अब आ जाते हैं भाई इस वाले गेम प्ले पे, और भाई इस गेम प्ले का एंड देख के तुम लोग जो इस संतुष्ट, तुम लोगों को जो इस सैतिश इन्फेक्शन मिलेगा ना भाई अंदर से, अरे बिल्कुल मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे इसकी म्याका मुरमुरा मजा आ गया मेरे को तो। और भाई इसी मैच में तुम्हारा भाई एक कतई जेयर वाला बदला मिलेगा। खैर फिलहाल उतरता हूँ यहाँ पे, हाथ में लगती है UMP, और यहाँ पे भाई सामने पे घूम रहा है एक पोरा, तो मैं जाता हूँ उसको धरने के लिए। अब भाई ऊपर वाले को पकड़ा, लेकिन यहाँ पे नीचे पे एक और ही, और ये कर दिया भाई इस पोरे को भी खोखड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद भाई मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ पे नीचे पे पोरे घूम रहे होते, और उतने में भाई मेरे को आ जाती है किसी की लिफ्ट चालू करने का, इसका मतलब इस लिफ्ट से एक पोरे आ रहा है ऊपर। और माँ कसम भाई मेरे को लगा था कि इन पोरों को मैं सरप्राइज मदर फादर कर दूंगा, लेकिन इन पोरों ने मेरे को सरप्राइज मदर फादर कर दिया। अब भाई इस पोरे का नाम याद रखो, दरअसल ये दो पोरे है, एक पोरे ने मेरे को नॉक किया है और उसके दूसरे टीममेट ने मेरे को फिनिश किया था। तो अपने बदले की आग में आग बबूला होके मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे स्टील आर्क पे, और माँ कसम ये बगमे वाले मैं यहाँ पे बदले की आग में आया हूँ, और इन्होंने मेरे हाथ में उजी पकड़ा दी मेरे भाई। अभी इतना छोटू सा हत्या लेके मैं क्या करूँगा, लेकिन भाई मैं एक शेर हूँ, हथियार छोटा हो या बड़ा शेर शिकार करना नहीं भूलता। अब भाई ये पोरे यहाँ पे नीचे घूम रहे, अब भाई ये पकड़ा उसको जिसने मेरे को नॉक किया था, ये चूहा घुस गया भाई अपने बिल में, तो मैं करता हूँ इसका पाटलाग। ये पकड़ लिया भाई दूसरे को, लेकिन यहाँ पे एक और है, और अपने उसी में सिर्फ 9 गोली, और मेरे भाई आखिरी के 9 गोली पे कर देता हूँ मैं तीसरे पोरे को भी नॉक, और जाता हूँ भाई इस पोरे को बुक्के से फिनिश करने के लिए, क्योंकि ये वो पोरा है जिसने मेरे को पेटी में पैक किया था, और हाँ मेरे पास गोली भी नहीं थी इसलिए मेरे को इसको बुक्के से ही मारना पड़ा, और जो पूरे ने मेरे को नॉक किया था ऊपर से गिर के मर गया साला फोतरा। और ये तीसरे को मैं करता हूँ खोखड़े के अंदर पैक, और भाई इसके साथ तुम्हारे भाई ने कर दिया यहाँ पे अपना बदला पूरा। अब उसके बाद भाई मैं जाता हूँ थोड़ा सा नीचे डवरने के लिए, लेकिन उतने देर में यहाँ पे ऊपर एक पूरे आ जाता है, और ये बैठ रखा है भाई यहाँ पे अंदर। और पता नहीं भाई इस पूरे का ये क्या ही दिख रहा होता है, बिल्कुल आखिरी गोली पे जाके ये पूरा पचक गया, मेरे को भी नहीं पता इसका ये क्या भाग दिख रहा था, लेकिन मैं तो बस गोली चला रहा था। अगर हेड होता तो भाई हेड शॉट का आवाज़ आता था, लेकिन ये हेड शॉट नहीं था, पता नहीं इसका क्या ही दिख रहा था। अब उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर टोपे पे, और यहाँ पे नीचे से एक पोरा गोली चला रहा है, और ये देखो भाई इसको। और भाई कैंपिंग करने की भी हद होती है, साले पोटे ये फोतरे पता नहीं भाई कहाँ कहाँ भी पसर जाते हैं। अरे भाई तेरे को कैंपिंग करे तो घर पे जाके कर, कम से कम इवेंट तो छोड़ दे, नहीं जहाँ जगह भी मिलेंगी वहाँ पे कैंपिंग डाल देते ये पोटे। उसके बाद भाई और पोरे शोधने के लिए मैं यहाँ पे डबर रहा हूँ तो ऊपर टोपे पे ही, और उतने भाई एक पोरा रिकॉल होके आता है पैराशूट से।
और भाई ये बेचारा पूरा अभी अभी रिकॉल होके ऊपर पैराशूट से आया था अपनी दूसरी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब कोई बात नहीं भाई, मैंने इसका भलाई किया, अभी एक लॉबी में जाएगा फिर से नई मैच स्टार्ट करेगा, इसको दो दो रिकॉल मिल जाएंगे, है ना। अब उसके बाद भाई मैं फिर से यहाँ पे मजे में ऊपर डवर रहा होता हूँ, और भाई ये देखो माँ कसम भाई, ये पूरा जो सुमड़ित घुमड़े में आया था बिल्कुल दबे पाओ पूरी उसी खाली कर दी थी भाई इसने। अब तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स बढ़िया है इसलिए तुम्हारा भाई यहाँ पे बच गया, और भाई मैं यहाँ पे पचकते पचकते रह गया, लेकिन भाई पचका नहीं ना वो ज़्यादा मामला रखता है। उसके बाद भाई मैं जाता हूँ नीचे रोबोट बुलाने के लिए, वहाँ से रोबोट बुला के मैं फिर से आता हूँ ऊपर, क्योंकि भाई अभी भी यहाँ पे एरिया में तीन पूरे जिंदा है। और भाई जरा इस पोट्टे को देखो, ये पोरा यहाँ पे फुल तैयारी में बैठ रखा है कि कब यहाँ पे ऊपर से डब्बे आएंगे और मैं ये डब्बे लूटने जाऊंगा और ये पोरा मेरे को ऊपर से टिकोरा दे देगा। माँ कसम भाई कैंपिंग करो तो इस लेवल की, और भाई इस पोरे पे जो ही लूट है ना भाई एएमआर पड़ रखी है इस पोरे पे। अब मैं उठा सकता था भाई एएमआर, लेकिन यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों टीम मेट पचक रखे है, तो यहाँ पे भाई अगर मेरे ऊपर रश हो गया तो मेरा कुछ सच्चा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एएमआर नहीं उठाता। मैं जाता हूँ भाई नीचे उन डब्बों में से लूट करने के लिए, और उसके बाद भाई पूरा एरिया खाली हो जाता है तो मैं निकल लेता हूँ जोन में। अब यहाँ पे भाई ऊपर पहाड़ी पे एक बड़ा वाला रोबोट घूम रहा है, तो मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे, और मेरे को एक पोरा दिखता है। और भाई यहाँ पे सामने पे जो ही तूफान आना हमारी चल रही है भाई, दो तीन स्क्वाड़ा मिलके एक दूसरे को निस्ता आना हमारा कर रहे भाई। अब मैं यहाँ पे आगे नहीं जाता भाई, मैंने तो दूर से अपने किल खींचे में डाल दी, लेकिन भाई यहाँ पे आगे पे पोरे मारा मारा कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, कहीं कहीं गुच्छू पे मेरे को एक हाथ और किल मिल गई तो मजा आ जाएगा। अब भाई ये रोबोट बिल्कुल मेरे छातड़े पे ही घूम रहा होता है तो मेरी यहाँ पे फट जाती है, तो मैं ऐसे निकल लेता हूँ भाई, क्योंकि जोन भी आ रहा होता है। अब भाई यहाँ पे जोन में गिरा हुआ होता है एक ड्रॉप, और उस ड्रॉप पे एक पोरा ताव मार रहा होता है, और मेरे को ये दिख जाता है। नॉक कर दिया, नॉक करने के बाद डैमेज भी दिया, लेकिन भाई ये घुस गया यहाँ पे ड्रॉप के पीछे, और इस पोरे के पास है भाई सेल्फ रिवाइवल, तो मैं फटाक से जाता हूँ इस पोरे के ऊपर रश करने के लिए, और ये देखो रिवाइव हो गया था मेरे भाई, ये बिल्कुल एक सेकंड से बच गया मैं। अब भाई इस पोरे को तो खाली कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऊपर पे एक पोरे आ गया है और ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से गोली चला रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई फटाक से स्मोक, ताकि मैं यहाँ पे अपना जेट पैक यूज़ करके यहाँ से कल्टी मार सकूँ। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जोन बिल्कुल छोटा सा ही बाकी होता है, तो मैं जा रहा होता हूँ जोन के अंदर, उतने मेरे को ऊपर जेट पैक पे एक पोरा दिखता है। और भाई चड्डी फाड़ डैमेज, ये पोरा बिल्कुल एक गोली का बाकी होगा, लेकिन भाई उतने में यहाँ पे एक गाड़ी आ गई। बहुत ज्यादा डैमेज है, सिर्फ 5-10 HP होगा। और माँ कसम भाई, ये ऊपर वाले फुतरे ने इस पूरे को 2-3 गोली मार के भी ये किल भी मेरे मुंह में से निकाल ली। इसकी मैं क्या मुरमुरा भाई, अगर ये तभी पचक जाता तो मेरे को कम से कम एक किल तो मिल जाती। अब उसके बाद भाई मैं थोड़ा सा जोन के बाहर होता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ इस छोटू से डोंगर पे, और भाई ये जो दो पूरे जिंदा है एक ही टीम के, और उनमें से एक जोन में आता है, दो गोली का डैमेज दिया भाई, तो इस पूरे को देखने के लिए मैं जाता हूँ फटाक से आगे, और उतने में इसका दूसरा टीममेट भी आता है। अब भाई ये दोनों के दोनों पोरे उतर गए यहाँ पे बान हाउस के गच्ची पे, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अंदर स्क्वाड हाउस में इन पोरों को देखने के लिए, और भाई इस पैनिक रूम के छोटू से खिड़की में से मैं इन पोरों को देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं उतने मेरे को एक पोरा दिखता है यहाँ से निकलते हुए। अब ये पोरा यहाँ पे निकलता है, तो मैं जाता हूँ फटाक से बालकनी में, ताकि मैं इसको पकड़ सकूँ। अब मैं इस पोरे को यहाँ पे शोधता हूँ, और मेरे को ये दिखता है। अब भाई एक को तो नॉक कर दिया, लेकिन इसके टीममेट ने मेरे को नॉक कर दिया, लेकिन भाई अपने पे सेल्फ रिवाइवल है। अब मैं यहाँ पे सेल्फ रिवाइवल तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये पूरे ने कर दिया मेरे ऊपर रश, और ये आ गया ऊपर। मैं प्रीफर लेके कूदता हूँ नीचे। और बेटा फोसरे, शेर का शिकार नहीं किया जाता, समझा ना, शेर खुद शिकार करता है। आया था बड़ा मेरा पीछा करते करते मेरे को पचकाने के लिए, बेटा 5 HP पे तेरे को ख़त्म कर दिया मैंने, अब जा जाके घर पे खिचड़ी का कोमड़ा डिनर ये शेर खाएगा,
और भाई इसकी में आएगा मुरमुरा 13 किल के साथ भाई एक बड़ा सा कोमड़ा डिनर। और मजा नहीं आया तो मेरे को बता दो भाई, बिल्कुल दुश्मन के मुंह से निवाला छीन लिया भाई। और भाई इसका जो टीममेट था जिसको मैंने नॉक किया था उस पर के पास सेल्फ रिवाइवल था, तो वो फोस रहा है यहाँ पे सेल्फ रिवाइवल यूज करके रिवाइव हो गया और उसके बाद भाई जोन के बाहर पचक गया, तो वो किल भी मेरे हाथ से निकल गई। फिर कोई बात नहीं भाई, 13 किल के साथ एक बड़ा कोमड़ा डिनर। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाद वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।